हेलो एवरीवन, मैं हूँ पवित्र और आप देख रहे हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर इन डेली पवित्र। सो बेसिक इंग्लिश ग्रामर पे आज का लेसन है वॉइस। वॉइस सेंस कैसे करते हैं। वॉइस दो टाइप का होता है, पहला एक्टिव वॉइस और दूसरा है पैसिव वॉइस। एक्टिव से हम पैसिव वॉइस करेंगे, कैसे करते हैं आइए सीखते हैं। एक्टिव से पैसिव करने का रूल्स है, अगर एक्टिव में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, मतलब जैसे राजू ईट फूड्स, यहाँ राजू है सब्जेक्ट, राजू सब्जेक्ट, ईट है वर्ब और ऑब्जेक्ट है फूड्स, तो ये पैसिव वॉइस में उल्टा हो जाएगा। मतलब पहले आएगा ऑब्जेक्ट, पहले ऑब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट। और ये सेंस तो होगा इस तरह, लेकिन अगर सेंस एक्टिव से पैसिव तक सेंस होगा तो इसके साथ कुछ चेंजेबल होता है। मतलब ऑब्जेक्ट आएगा पहले, प्लस बी वर्ब, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस बाय, प्लस सब्जेक्ट, ऐसा हो जाएगा। मतलब फूड्स इज ईटन बाय राजू, फूड्स है ऑब्जेक्ट, और इसके साथ क्या आएगा, बी वर्ब। बी वर्ब टेंस के हिसाब से बी वर्ब सेंस होगा, मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, राजू ईट फूड्स, तो यहाँ पे क्या बी वर्ब क्या आएगा, इज, तो बी वर्ब इज आएगा यहाँ पे, और वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईटन, तो ये ईटन हो गया, एंड बाय प्रीपोजिशन, बाय आएगा, तो बाय दे दिया, लास्ट में आएगा क्या, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन था, राजू, राजू, तो यहाँ पे आएगा राजू। तो एक्टिव वॉइस में राजू ईट फूड्स, पैसिव वॉइस में होगा फूड्स इज ईटन बाय राजू, मतलब राजू खाना खाता है, तो पैसिव में क्या होगा, खाना राजू के द्वारा खाए जाते हैं। एक्टिव से पैसिव वॉइस करने के लिए वर्ब का चेंज होता है, और वो है अगर एक्टिव में डो डास है तो पैसिव में होगा इज एम आर, अगर एक्टिव में इज एम आर के जगह आई एन जी वर्ब भी है, मतलब आई एन जी फॉर्म है वर्ब का, तो पैसिव वॉइस में होगा इज एम आर के साथ बींग लगेगा, बी ई आई एन जी, ये बींग वर्ब लगेगा। अगर हैज हैव है तो हैव हैज बीन होगा, अगर डिड है तो वाज वेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, वाज वेयर आई एन जी फॉर्म अगर है एक्टिव में तो पैसिव में होगा वाज वेयर के साथ बींग वर्ब, हैड के जगह हैड बीन लगेगा, विल शैल के जगह विल बी शैल बी लगेगा, और विल शैल हैव, विल शैल हैव बीन लगेगा। एक्टिव से पैसिव करने के लिए एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट इस तरह चेंज होता है, अगर एक्टिव वॉइस में ही है तो पैसिव में होगा हिम, शी है तो हर होगा, नेम के जगह एक्टिव वॉइस में अगर कोई भी नेम है जैसे राम, लक्ष्मण, सीता, राजू, एनी नेम्स, तो इसके साथ पैसिव वॉइस में नेम होगा, और एक्टिव वॉइस में अगर आई है तो पैसिव में होगा मी, अगर एक्टिव वॉइस में दे है तो पैसिव में होगा देम, यू के जगह यू और वी के जगह होगा आस। विभिन्न टेंस के अनुसार बी वर्ब और टेंस का रूप पैसिव वॉइस में इस तरह चेंज होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब ये है एक्टिव वॉइस। अगर एक्टिव वॉइस में ऐसा रहेगा तो पैसिव वॉइस में होगा पहले आएगा ऑब्जेक्ट, ये रूल्स है पैसिव वॉइस का, पहले ऑब्जेक्ट आता है तो यहाँ से ऑब्जेक्ट आएगा प्लस बी वर्ब लगेगा, इसके साथ एक बी वर्ब लगेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब प्रेजेंट टेंस का बी वर्ब क्या होता है, इज एम आर, तो बी वर्ब लगेगा प्लस वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म, प्लस बाय प्रीपोजिशन लगेगा, और लास्ट में आएगा सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट जाएगा लास्ट में। एक एग्जांपल लेते हैं, वी ईट राइस, यहाँ पे वी है सब्जेक्ट, ईट है वर्ब और राइस है ऑब्जेक्ट, तो ये है एक्टिव वॉइस। अगर ये एक्टिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस में लाने के लिए क्या करना चाहिए, पहले ऑब्जेक्ट आना चाहिए, पहले ये राइस आएगा ऑब्जेक्ट, मतलब राइस है ऑब्जेक्ट, तो राइस, उसके साथ क्या आएगा, एक बी वर्ब, बी वर्ब क्या है प्रेजेंट टेंस का, इज एम आर, तो इज आएगा राइस इज, ईट का थर्ड फॉर्म मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा ईट, मतलब ये क्या होगा ईटन, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा ईटन, फिर आएगा बाय, तो ये बाय आ गया, नेक्स्ट आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है वी, अगर वी है एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में क्या होगा आस,
मतलब ये वी का सेकंड फॉर्म आस होता है, तो राइस इज इटन बाय आस। एक और सेंटेंस लेते हैं, आई प्ले क्रिकेट। आई है सब्जेक्ट, प्ले है वर्ब और क्रिकेट है ऑब्जेक्ट। तो पैसिव में क्या होगा, पहले आएगा क्रिकेट, मतलब ये ऑब्जेक्ट आएगा पहले, ऑब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, एक बी वर्ब। बी वर्ब क्या होगा, इज। प्ले का थर्ड फॉर्म क्या, प्लेड। नेक्स्ट आएगा बाय प्रीपोजिशन और आई का मी, तो क्या होगा, क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। मतलब अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस में होगा ऑब्जेक्ट प्लस बी वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। नेक्स्ट आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। एक्टिव वॉइस में अगर सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है, मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, पहले आएगा ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर मतलब बी वर्ब प्लस बींग आएगा, अगर आईएनजी वर्ब है तो उसके साथ क्या आता है, बींग वर्ब आता है, तो ये बींग आता है। नेक्स्ट आएगा वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्रीपोजिशन प्लस सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल आई एम रीडिंग ए बुक, यहाँ पे आई है सब्जेक्ट, एम है बी वर्ब, रीडिंग मतलब वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म और ए बुक है ऑब्जेक्ट, तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, पहले आएगा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, ए बुक, ए बुक इज, ए बुक इज ऑब्जेक्ट है और इसके साथ क्या आएगा, बी वर्ब इज, और आईएनजी है इसलिए क्या आएगा, बींग वर्ब, तो ये बींग प्लस क्या आएगा, वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म, रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रीड, तो रीड ही होगा। और नेक्स्ट आता है बाय का बाय प्रीपोजिशन आएगा, और अगर एक्टिव में आए है तो पैसिव में क्या होगा, मी, तो इसलिए ए बुक इज बींग रीड बाय मी। नेक्स्ट दे आर प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ पे दे है सब्जेक्ट, आर है बी वर्ब, दे प्लूरल नंबर है इसलिए प्लूरल नंबर के साथ आर यूज होता है, तो दे आर प्लेइंग है वर्ब का आईएनजी फॉर्म और फुटबॉल है ऑब्जेक्ट, तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, पैसिव वॉइस में होगा पहले आएगा वो फुटबॉल, मतलब ये ऑब्जेक्ट है, फुटबॉल इज बी वर्ब, बींग, बींग आएगा आईएनजी वर्ब है इसलिए बींग आएगा, और प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लेड, और नेक्स्ट आएगा बाय, अगर दे है एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, देम, तो इसलिए फुटबॉल इज बींग प्लेड बाय देम। यहाँ पे इज क्यों आया, क्योंकि फुटबॉल एक सिंगुलर नंबर है, यहाँ पे दे आर, आर था क्योंकि ये दे प्लूरल नंबर था, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंगुलर, फुटबॉल सिंगुलर है, पहले सिंगुलर, पहले फुटबॉल आ गया, ऑब्जेक्ट पहले आ गया, इसलिए ऑब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, वी वर्ब इज होगा, इसलिए यहाँ पे आर नहीं होगा, इज होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मतलब अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव वॉइस में होगा ऑब्जेक्ट प्लस हैव हैज बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस लास्ट में आएगा सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल द हंटर हैज किल्ड ए टाइगर, ये एक्टिव वॉइस में है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और ये अगर पैसिव वॉइस में लिया जाए तो क्या होगा, पहले आएगा ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ए टाइगर, तो ए टाइगर आ जाएगा और फिर आएगा हैव हैज बीन, तो यहाँ पे हैज बीन आएगा, ए टाइगर हैज बीन, क्योंकि टाइगर एक थर्ड पर्सन है इसलिए हैज बीन, तो हैज बीन, एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या आएगा, किल्ड, यहाँ पे भी किल्ड था, किल्ड थर्ड फॉर्म था और ये यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म ही होगा। एंड नेक्स्ट आता है बाय प्रीपोजिशन, बाय प्रीपोजिशन के बाद आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या था, द हंटर, तो यहाँ पे द हंटर, सो ए टाइगर हैज बीन किल्ड बाय द हंटर। नेक्स्ट पास्ट इंडिफिनिट टेंस, मतलब अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह का सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, पहले ये ऑब्जेक्ट आएगा, ये पैसिव वॉइस का रूल्स है, पहले ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा, फिर आएगा वाज वेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्रीपोजिशन एंड लास्ट में आता है सब्जेक्ट। एक एग्जांपल आई शो ए बर्ड, यहाँ पे आई है सब्जेक्ट, शो है वर्ब का सेकंड फॉर्म और ए बर्ड है ऑब्जेक्ट, तो अगर ये पैसिव में किया जाए तो क्या होगा, पहले ऑब्जेक्ट आएगा,
ए बार्ट, ए बार्ट। फिर आएगा वास, वास क्यों आएगा किस, क्योंकि ए बार्ट, ए बार्ट एक सिंगुलर नंबर है इसलिए वास आएगा। अगर प्लूरल होता तो क्या होता, वेयर आ जाता, और ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है तो इसलिए यहाँ वास एंड वेयर आ जाता है। तो यहाँ पे वास एंड शो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सीन। शो का थर्ड फॉर्म होता है सीन, इसलिए यहाँ सीन आएगा एंड बाय प्रीपोजिशन के साथ लास्ट में आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या था, आई, तो यहाँ पे क्या होगा, मी, आई सेंस होके मी होता है। नेक्स्ट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, एक्टिव वॉइस में अगर सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब अगर इस तरह का स्ट्रक्चर होता है तो पैसिव करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, पहले ऑब्जेक्ट लाना चाहिए। ये ऑब्जेक्ट आ गया पहले, ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस आईएनजी फॉर्म है तो इसलिए यह क्या आएगा, बींग प्लस वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्रीपोजिशन प्लस सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल ही वॉज कटिंग ए पेंसिल, ही वॉज कटिंग, वॉज कटिंग, तो क्या है ये, वॉज भी है और आई एन जी फॉर्म भी है, मतलब ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है एक्टिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस में क्या होना चाहिए, ए स्ट्रक्चर होना चाहिए, इस तरह का स्ट्रक्चर मेकिंग करना है। मतलब पहले आएगा ए पेंसिल, ऑब्जेक्ट पहले आएगा या पेंसिल, फिर आएगा वॉज वेयर, तो ए पेंसिल एक सिंगुलर है तो वाज आएगा वाज, एंड आई एन जी फॉर्म है तो इसलिए क्या आएगा, बींग, बींग, एंड कट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, कट, तो ए पेंसिल वाज बींग कट। नेक्स्ट आएगा बाय, और ही के जगह क्या आएगा, हिम, ही है सब्जेक्ट, अगर ये पैसिव में जाए तो क्या होगा, हिम, तो ए पेंसिल वाज बींग कट बाय हिम। पास्ट परफेक्ट टेंस, मतलब अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है, अगर ये पैसिव करना है तो पैसिव में क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। जैसे द बॉय हैड किल्ड ए स्नैक, यहाँ पे द बॉय है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ क्या आया, हैड, और वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया यहाँ पे किल्ड, एंड ए स्नैक है ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट पहले आएगा, ए स्नैक ऑब्जेक्ट है, पहले आया ए स्नैक। हैड बीन, अगर हैड है तो हैड बीन होता है, तो हैड बीन, एंड किल्ड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, किल्ड, किल्ड ही होता है, एंड बाय प्रीपोजिशन, एंड द बॉय है सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट लास्ट में आएगा द बॉय, तो ए स्नैक हैड बीन किल्ड बाय द बॉय। नेक्स्ट फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, एक्टिव वॉइस अगर सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, मतलब अगर एक्टिव वॉइस फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का है तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस शैल विल बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। जैसे आई शैल राइट ए लेटर, यहाँ पे आई है सब्जेक्ट और आई के साथ क्या आता है, शैल, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का शैल आता है, एंड राइट ए लेटर, राइट है वर्ब एंड ए लेटर है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा ए लेटर, ए लेटर शैल बी, शैल के साथ क्या आता है, शैल बी आता है पैसिव वॉइस में, तो शैल बी, राइट का थर्ड फॉर्म होता है राइटन, तो राइटन, एंड बाय प्रीपोजिशन के साथ क्या आता है सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था, आई, तो पैसिव वॉइस में आई क्या हो जाएगा, मी, तो इसलिए यहाँ मी हो गया, ए लेटर शैल बी राइटन बाय मी। नेक्स्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस ये चेंजेबल नहीं होता तो क्या आएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस मतलब अगर किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस शैल हैव विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव करने के लिए पहले आएगा ऑब्जेक्ट प्लस शैल विल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, मतलब फ्यूचर परफेक्ट से ये पैसिव वॉइस में ये स्ट्रक्चर होगा। जैसे स्टूडेंट विल हैव रीड द पोएम, तो ये एक्टिव वॉइस से पैसिव करने के लिए क्या लाना है, ये स्ट्रक्चर लाना है, ये स्ट्रक्चर पहले आएगा ऑब्जेक्ट, तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, द पोएम। नेक्स्ट आएगा शैल हैव बीन या विल हैव बीन, तो यहाँ पे विल हैव बीन आएगा,
तो द पोएम विल हैव बीन, रीड का थर्ड फॉर्म रीड होता है एंड बाय एंड सब्जेक्ट, तो द पोएम विल हैव बीन रीड बाय ए स्टूडेंट। तो ये सब था एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस तक लाने के लिए टेंस का ऑल ट्रिक्स, और नेक्स्ट वीडियो पे जरूर देखिए वॉइस टेंस का सेकेंड पार्ट विथ ऑल टाइप्स ऑफ सेंटेंस के साथ। और अगर डेली पवित्र चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक बटन के साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए, और देखते रहिए बेसिक इंग्लिश ग्रामर विथ पवित्र। हैव ए गुड डे, बाय बाय।